बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंडर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 22 के अंदर आज हम डाईहाइब्रिड क्रॉस और पुनेट स्केल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उस पर जाने से पहले आप जो पिछले लेक्चर के अंदर हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था, ठीक है, उसके बारे में आज हम दोबारा थोड़ी सी बात करेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। और मोनो का मतलब था सिंगल, अकेला, हाइब्रिड का मतलब दोगलापन, यानी किसी यानी जिसे आप कह लें ना हाइब्रिड होना, हाइब्रिड से मुराद के हेट्रोजाइगस, ठीक है। मोनो हाइब्रिड को आप कह सकते हैं किस्म का हेट्रोजाइगस कंडीशन हो, ठीक है। किस तरह अभी हम इसे मोनो हाइब्रिड हम देखते हैं, किस तरह हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया था। तो मेंडल ने क्या किया था कि दो किस्म के प्लांट की कैटेगरी ली, एक वो प्लांट जो टॉल थे, ठीक है, एक वो प्लांट्स जो निस्बतन शॉर्ट थे, सही। टॉल प्लांट्स के लिए उसने कैपिटल टी के एलील्स यूज़ किए, तो होमोजाइगस टॉल है, ठीक है। ये दोनों पहली जो जनरेशन है ये P1 जनरेशन है और ये होमोजाइगस है, यानी दोनों के पास कैपिटल टी कैपिटल और इसके पास स्मॉल टी होगा, ठीक है। ये होमोजाइगस टॉल है, ये होमोजाइगस स्मॉल है। फिर दोनों के क्या बनेंगे, गैमेट्स, इसके एक तरफ से कैपिटल टी आएगा, इस तरफ से स्मॉल टी आएगा, सही। और जितनी भी नेक्स्ट जनरेशन आएगी सारी कैपिटल टी और स्मॉल टी की आएगी, सही। नेक्स्ट जनरेशन 100% और ये टॉल अपीयर होंगे, ठीक है। अब ये टॉल क्यों अपीयर होते हैं, क्योंकि जो हमने कहा था कि जो कैपिटल लेटर्स हैं, ठीक है, ये डोमिनेंट अलील्स को शो करते हैं, तो यानी जो टॉल जीन है ये डोमिनेट कर जाता है रिसेसिव जीन्स के ऊपर, ठीक है। यानी ये टॉल होगा, यानी सब के सब इस तरह अपीयर होंगे, ठीक है। तो इन्हें आप मोनोहाइब्रिड कहते हो, दीज आर बेसिकली मोनोहाइब्रिड्स, ठीक है, कि इनके एक अलील्स में फ़र्क आ गया, दीज आर मोनोहाइब्रिड। अब इसका जब क्रॉस किया था उसने किस तरह किया था कि कैपिटल टी, अच्छा ये जो जनरेशन ये P1 जनरेशन थी पेरेंटल जनरेशन, ये जो जनरेशन है ये F1 है। F1 से क्या, P से क्या बनता है, पेरेंटल जनरेशन, सही। और जबकि F1 से क्या बनेगा, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, FI फीलियल जनरेशन, फीलियल से मुराद के नई नस्ल को कहते हैं, सही। सो अब इसने क्या किया, मेंडल ने क्या किया कि जो आगे मोनोहाइब्रिड इसके पास जो प्लांट्स बने थे जो कि अपीयरेंस सारे टॉल थे लेकिन उनके जीन्स के अंदर स्मॉल जीन भी था, तो इनको आपस में क्रॉस कराया उसने, ठीक है। यानी दोनों को, यानी F1 करवाया उसने, सही। सो कैपिटल टी स्मॉल टी इसको क्रॉस कराया, तो सबसे पहले लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई होगा कि दोनों के गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल टी बनेगा स्मॉल टी बनेगा, इसका कैपिटल टी बनेगा स्मॉल टी बनेगा, सही। ये कौन सा लॉ है वाला, यहाँ पे कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, के जो अलील्स हैं वो सेग्रीगेट हो रहे हैं, अलग-अलग हो रहे हैं, ठीक है, और फिर आपस में फर्टिलाइज होंगे, ठीक है। कैपिटल टी आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा, इसे भी आप कैपिटल टी पहले लिख लें और स्मॉल टी बाद में, सही, और लास्ट में स्मॉल टी आ जाएगा, सही। सो ये टॉल होगा, फर्स्ट वन इज होमोजाइगस टॉल, सही, जबकि ये सेकंड दो जो हैं ये हेट्रोजाइगस होंगे लेकिन होंगे ये भी टॉल, ठीक है। और लास्ट वन जो है ये होमोजाइगस स्मॉल होगा, सही। तो इसकी उसने दो किस्म की रेशोज निकाले थे, एक जीनोटिपिक रेशो है, जीनोटिपिक रेशो के अंदर उसके पास 1:2:1 आ रहा था, लेकिन एक होमोजाइगस टॉल था, हेट्रोजाइगस टॉल हैं दो और एक होमोजाइगस स्मॉल है, जबकि एक फिनोटाइपिक रेशो सही, वो इसने 3:1 निकाला, यानी 3 टॉल हैं, ठीक है, और एक स्मॉल है,
सही। तो ये उसने जितनी दफ़ा भी क्रॉस किया, ठीक है, यानी पहले उसने होमोजाइगस जो ट्रू पेरेंटल जनरेशन थी, सही है, उसका उसने होमोजाइगस स्मॉल के साथ क्रॉस करवाया, फिर उसके पास F1 जनरेशन आ गई कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, ठीक है, फिर इनका आपस में क्रॉस किया, उसके पास जो रेशियो आई हर दफ़ा वो 1:3 आई, ठीक है, 1:3 आई। सो ये तो था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अच्छा, इस क्रॉस को हम पुनेट स्केल में भी कर सकते हैं, ठीक है, हाउ टेस्ट क्रॉस इन पुनेट स्केल, किस तरह करते हैं हम टेस्ट क्रॉस इन पुनेट स्केल, ठीक है, कि F1 क्रॉस F1 था ना, F1 इसका क्या मतलब था, कि नहीं कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये फॉर एग्जांपल हमारे पास मेल है, ये फीमेल है, सही। तो हम क्या करते हैं कि पुनेट्स के इस तरह ड्रा करते हैं, एक साइड पे मेल के गैमेट्स ले लेते हैं, एक तरफ फीमेल के गैमेट्स। इसके जो गैमेट्स बनेंगे कैपिटल यानी कैपिटल टी बनेगा, स्मॉल टी बनेगा, इसके जो गैमेट्स बनेंगे कैपिटल टी बनेगा, इसके स्मॉल टी बनेगा। सो यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम फीमेल ले लेते हैं, तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी इसके ये दो गैमेट्स होंगे, ठीक है, और इधर मेल की अगर बात करें तो इसका भी कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी ये गैमेट्स ऑफ मेल प्लांट है और ये गैमेट्स ऑफ फीमेल प्लांट, सही। अच्छा, जब इनका क्रॉस करेंगे हम, ये कैपिटल टी हो जाएगा, ये कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, ये कैपिटल टी स्मॉल टी और ये स्मॉल टी आ जाएगा, सही। इस तरह ये पुनेट स्केल है। सो पुनेट स्केल एक स्टैटिस्टिकल टूल है, इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल टूल जिसके अंदर हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं या रेशियो देखते हैं, ठीक है, ये बेसिकली रेशियो जो है ये क्या है, प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिस्टिकल टूल टू फाइंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी को हमने पिछले लेक्चर के अंदर किस तरह डिफाइन किया था, कि इट इज़ चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर, किसी भी चीज़ के जो होने का यानी खर्चा होता है, किस्म कितने परसेंटेज एक किस्म से कह लें आप, उसे आप क्या कहोगे, प्रोबेबिलिटी। अब हम चलते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर, सही। तो ये आज हमने पुनेट स्केल के बारे में भी आइडिया हो गया और हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को भी थोड़ा बहुत स्टडी कर लिया, सही। नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा वो है डायहाइब्रिड क्रॉस। अब हमने मोनोहाइब्रिड किसे कहा था, कि यानी जिसके अंदर कोई एक अलील फ़र्क कर रहा हो, ठीक है, यानी जिसके अंदर सिर्फ एक अलील फ़र्क कर रहा हो, जबकि डायहाइब्रिड किसे कहेंगे, जिसके अंदर एक से ज़्यादा हो जाए, मसलन ये सामने बना हुआ है। हाँ, ये वैसे डायरेक्ट पिक्चर बनी है, इसे मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको पहले। इसमें हमारे पास दो अलील्स हैं, एक आर है जो कि शो करता है राउंड को, ठीक है, जो फली होती है ना उसकी, मटर की फली के अंदर जो दाने हैं या तो वो राउंड होते हैं या फिर उन पे झुर्रियाँ बनी होती है। जो स्मॉल आर है ये रिंकल को शो करता है, रिंकल यानी उसके ऊपर झुर्रियाँ बनी होती हैं, सही। एक कैपिटल वाई है जो कि शो कर रहा है येलो को, कि जो दाने हैं मटर के दाने वो येलो हों, और एक स्मॉल वाई है जिसके मटर के दाने ग्रीन होंगे, सही है। आपके सामने फिगर भी बनी हुई है इसकी। तो अब उसने ऐसा यानी चलें इसे मैं थोड़ा सा इधर समझाता हूँ, थोड़ा सा किस तरह उसने लिया। उसने सबसे पहले ऐसे प्लांट लिए, P1 की बात करें, फर्स्ट P1 के अंदर उसने क्या किया, ऐसे प्लांट लिए कि जिसके दाने राउंड हों, ठीक है, और येलो हों, सही। और ये उसने फॉर एग्जांपल मेल प्लांट लिया, फीमेल प्लांट के अंदर उसने रिंकल्ड लिया और ग्रीन दानों के साथ लिया, ठीक है, जिसके मूंगफली के दाने ग्रीन थे, सही। तो अब ये जो गैमेट्स बनाएगा, अब इसकी गैमेट फॉर्मेशन होगी, सो इसमें राउंड आएगा, सॉरी राउंड एंड येलो, इसमें जो गैमेट्स गैमेट्स बनेंगे उनके सबके पास क्या होगा, इन सबके पास रिंकल्ड होंगे एंड ग्रीन होंगे, सही। फिर इनका आपस में क्रॉस होगा तो हमारे पास
सब राउंड और येलो आएंगे, ठीक है, ये सब राउंड एंड येलो होंगे, लेकिन ये होमोजाइगस नहीं होंगे बल्कि ये हेट्रोजाइगस होंगे, और हेट्रोजाइगस को हमने क्या कहा हुआ है, हाइब्रिड किस्म के, ठीक है, या क्योंकि इसमें अब दो एलील्स हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, डाई हाइब्रिड, ठीक है। तो इस तरह इसने डाई हाइब्रिड गैमेट्स की इसके पास F1 जनरेशन आ जाती, ये P1 जनरेशन थी, ये F1 जनरेशन आ रही है, ठीक है। अब उसने यहाँ पे बेसिकली क्या किया है कि वही यानी राउंड और येलो जो कि डाई हाइब्रिड है आपके F1 जनरेशन में आ रही है, उसी को उसने आपस में क्रॉस करवाया, सही, वो भी किस में करवा रहा है, पुनेट स्केयर में, ठीक है। और पुनेट स्केयर हम पीछे पढ़ चुके हैं क्या है कि इट इज़ स्टैटिस्टिकल टूल यूज टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कि चांसेस देखने के लिए। तो अभी हम देखते हैं, सो अगर हम यहाँ पे लैटिस में बनाऊँ मसलन F1 क्रॉस F1 है, तो उसका क्या मतलब होगा कि R Y और सॉरी R स्मॉल R होगा, R स्मॉल Y फिर कैपिटल Y स्मॉल Y क्रॉस R स्मॉल R कैपिटल Y स्मॉल Y, फिर इसके जो गैमेट्स बनेंगे वो चार किस्म के बन सकते हैं, ठीक है, दोनों में से जो गैमेट्स बनेंगे चार किस्म के गैमेट्स बन सकते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई होगा। तो इसमें क्या बनेगा, मसलन कैपिटल R कैपिटल Y बन सकता है, फिर कैपिटल R स्मॉल Y बन सकता है, ठीक है, फिर स्मॉल R कैपिटल Y बन सकता है और स्मॉल R स्मॉल Y बन सकता है, ठीक है। तो यानी इन सब के 1/4 चांसेस हैं, सही, यानी जिसे आप परसेंटेज में क्या कहेंगे भला, 25% ईच चांसेस हैं, यानी इक्वल चांसेस हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अकॉर्डिंग टू सेग्रीगेशन, सो इनके पास इक्वल चांसेस हैं गैमेट्स फॉर्मेशन की। सो यही आपको यहाँ पे भी नजर आएंगे, ये मसलन कैपिटल R है कैपिटल Y, और इस तरह यहाँ पे उसने मेल फीमेल के गैमेट्स लिए हुए, हेयर इट इज फीमेल गैमेट्स, यहाँ पे उसने मेल के गैमेट्स लिए हुए, फिर इनके आपस में क्रॉस करवाया उसने, सही, कैपिटल R कैपिटल Y, ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है, सही, होप कि आपको नज़र आ रही हो। सो एक तरफ कैपिटल R कैपिटल Y है, ठीक है, फिर कैपिटल R सॉरी चलें, ये हमने थोड़ी सी डायग्राम बड़ी कर लिया है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा होगा इसका। सो कैपिटल R कैपिटल Y, फिर कैपिटल R स्मॉल Y कैपिटल स्मॉल R कैपिटल Y स्मॉल R, और सॉरी ये स्मॉल Y इधर आ रहे, कैपिटल R स्मॉल Y, ये कैपिटल Y, ठीक है, फिर इनके क्रॉस कराया उसने, सो ये 1/16 की रेशो आ रही है। सो इसमें अगेन 9:3:3:1 आ रही है, सही, सो 9:3 प्रोपोर्शन में अगर हम लें 3:1, सो अगेन ये 3:1 हो जाएगी, प्रोपोर्शन 3:1, सो यानी इसका रिजल्ट भी एंड पे आपके पास 1:3 आएगा जो आपके मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आ रहा था, सही। अच्छा, इसमें जब आप क्रॉस करवाओगे तो इसमें ऑलमोस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, के आपके पास 9 क्या आ जाएंगे, राउंड एंड येलो, ठीक है, 9 राउंड और येलो, फिर इसमें स्मॉल वाई के साथ आपके पास 3 आ जाएंगे, ठीक है, यानी जो कि राउंड और ग्रीन होंगे, फिर राउंड रिंकल एंड ग्रीन सिंगल होगा सिंपल, सही, और जबकि रिंकल्ड और येलो 3 होंगे। सो ये आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, इससे अगले लेक्चर के अंदर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर हम थोड़ा बहुत एलील्स की रिलेशंस देखेंगे, डोमेन के बारे में बात करेंगे।